गुड मॉर्निंग क्लास, आज ये आपका है चैप्टर नंबर 19, मायावी सरोवर। ये एक जलाशय था जहाँ पे यक्ष रहते थे और उसी के आसपास जो है पांडु पुत्र वहाँ पे थे। तो युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि भाई ज़रा देखो, पेड़ पे चढ़कर बहुत कस के प्यास लग रही है कि आसपास में कहीं कोई जलाशय हो तो जो है पानी पी लिया जाए। तो नकुल जो है पेड़ पे चढ़े और उन्हें काफ़ी दूर पे जो है एक ऐसे पेड़ पौधे और कुछ पक्षी ऐसे दिखे जो कि ज़्यादातर पानी के आसपास में ही रहते हैं। तो उन्होंने पेड़ से उतर के कहा कि हाँ भाई, आसपास में कुछ एक पेड़ कुछ पेड़ दिख रहे हैं जो पानी के ही आसपास होते हैं और वहाँ पे जो है इस यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। तो युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है बेटा, भाई आप चले जाइए और जाके जो है पानी ले आओ, क्योंकि सभी लोगों को प्यास ज़्यादा लगी थी और काफ़ी दूर तक चलने के बाद फिर नकुल को जलाशय मिल गया और उन्होंने जो है पानी इतनी कस के प्यास लगी थी, उन्होंने सोचा कि पहले हम जो है मैं पानी पी लूँ फिर जो है आगे बाकी लोगों के लिए ले जाता हूँ। वो पानी पीने लगे लेकिन उसी समय उनको एक आवाज़ सुनाई दी कि माद्री पुत्र नकुल, ऐसा दुस्साहस मत करो और पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा इसको बाद में देखेंगे, प्यास लगी पहले पानी पी लेते हैं, और उन्होंने जो है पानी पी लिया उस आवाज़ की तरफ ध्यान ना देते हुए। और जैसे ही वो पानी पिया उन्होंने और वो फिर जलाशय से थोड़ा सा जैसे एक दो कदम चलने के बाद अचेत होकर यानी कि बेहोश होकर वो वहीं जलाशय के पास में ही गिर गए। इस तरह से धीरे एक एक करके फिर उन्होंने सहदेव को कहा कि भाई नकुल बहुत देर हो गई नहीं आया है, सहदेव आप जाके तुम जाके देखो कि आखिर नकुल को क्या हुआ है। नकुल भी नहीं आए लौट कर, उनको साथ भी ऐसे हुआ। अर्जुन फिर उसके बाद उन्होंने अर्जुन को भेजा कि अर्जुन अब दोनों लोग नहीं आए, अब आप तुम जाकर देखो कि आखिर दोनों लोग कहाँ रह गए। तो वो जब गए तो उनको फिर यक्ष की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लगी थी उन्होंने। तो उन्होंने जो है ये कहा कि मैं कि भाई पहले मैं उन्होंने जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ कुछ तीर निशान छोड़ दिए और फिर पानी पीने लगे। पानी पिया उन्होंने तो पानी पीते ही जो है वो भी अचेत होकर वहीं जलाशय के ही किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। इसी तरह फिर जब बहुत देर हो गई तो फिर उन्होंने युधिष्ठिर ने भीम को भेजा, भीम को भी इसी तरह आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने उस आवाज़ पे ध्यान ना देते हुए उन्होंने जो है जल पी लिया और वो भी बेहोश होकर गिर पड़े। उसके बाद युधिष्ठिर जब बहुत देर हो गई, जब कोई नहीं लौटा, तो युधिष्ठिर ने सोचा कि अभी तक कोई नहीं आया है कि कुछ तो बात है, चलो मैं जाके देखता हूँ। जब वो जाके देखे तो उन्हें वहाँ जलाशय के किनारे अपने चारों भाइयों को उन्होंने अचेत जैसे मृत जैसे पड़े हो इस तरह से देखा, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और फिर उन्हें लगा कि भाई पानी को देखते ही वो समझ गए यहाँ कोई जो है वो है यक्ष यहाँ पे हैं आसपास में। तो उन्होंने अब आते हैं वो ये बात समझ गए। अब है चैप्टर नंबर 20, अक्षय प्रश्न, यानी कि ये यक्ष प्रश्न, यानी कि यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है फिर से कि जब युधिष्ठिर ने उनको उस विषैले तालाब को देखा तो उन्होंने अब मृत भाइयों को देखकर वो समझ गए कि यहाँ पे कोई जो है यक्ष हैं। और उन्होंने आवाज़ दी कि कुंती पुत्र युधिष्ठिर, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से जलाशय से पानी पी सकते हैं। वो आवाज़ को देख सुनते ही समझ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा और आप मुझसे प्रश्न पूछिए। और यक्ष ने उनसे प्रश्न पूछने प्रारंभ किए, यानी कि शुरू किए। तो काफ़ी प्रश्न पूछे, जैसे कि मनुष्य के साथ कौन देता है धैर्य देता है, उसी तरह कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। तो इस तरह के कई काफ़ी क्वेश्चन और प्रश्न उनसे पूछे गए, उन्होंने बहुत अच्छे से उसके उत्तर दिए और उनकी जो जितने भी प्रश्न थे यक्ष को उन्होंने संतुष्ट किया। और जब संतुष्ट हुए यक्ष ने खुश होकर युधिष्ठिर से कहा
कि मैं आपके किसी एक भाई को ही जीवित कर सकता हूँ, सो आप किसी एक भाई को जीवित करवा लीजिए। तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे सीधे कहा कि आप मेरे नकुल को, यानी कि अनुज पुत्र, मेरा भाई जो है अनुज, यानी कि छोटा भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष ने उनसे पूछा कि आपने, यक्ष जो है, आपने मुझसे नकुल को जीवित करने की बात क्यों कही? अगर आप चाहते तो भीम को जीवित करवा सकते थे, वो अधिक बलशाली हैं। आप चाहते तो अर्जुन को जीवित करा सकते थे, लेकिन आपने जो है नकुल को क्यों जीवित कराना चाह रहे हैं? तो युधिष्ठिर ने उनको, यक्ष को जवाब दिया कि मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, एक माता कुंती और दूसरी जो है माद्री, और उन दोनों ही माताओं से हम पांच पुत्र हैं। तो माता कुंती से मैं, यानी कि खुद स्वयं जीवित हूँ, तो मैं ये चाहूँगा माता माद्री से नकुल, यानी कि वो छोटा भाई भी मेरा जीवित हो। तो इस तरह से हम दोनों भाई, दोनों माताओं के एक एक पुत्र जीवित रह पाएंगे। तो इससे जो है उनको, यक्ष को बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बिना सोच जो है अपने फ़ायदा सोचे हुए उन्होंने उनसे नकुल के जीवित कराने की बात कही है। इस बात को देखकर उन्होंने, इससे खुश होकर उन्होंने जो है उनके चारों भाइयों को जो है वो दे जीवित कर दिया। वनवास की कठिनाइयों को कठिनाइयाँ पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। इसी बीच उन्होंने, जैसे कि अर्जुन को ये दिव्य अस्त्र की प्राप्ति हुई, भीमसेन ने सुगंधित फूलों के सरोवर में हनुमान से भेंट करी और भेंट करके उनके आलिंगन करके अधिक शक्तिशाली बन गए, है ना। मायावी सरोवर से युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए, उनके गले मिले, सौभाग्य प्राप्त किया। तो वनवास की अवधि इसी तरह से पूरी हुई। ब्राह्मणों की जब पूरी हुई तो ब्राह्मणों की अनुमति लेकर वो अपने आचार्य जो है चले गए, जाकर उन्होंने एक जगह एकांत में, जहाँ उनको अज्ञातवास जो है बिताना था, उसके लिए वो लोग मंथन करने लगे। और उन्होंने शहर में, हस्तिनापुर में ये घोषणा करवा, इस तरह की एक अफवाह फैलवा दी कि अचानक से रात में जो है पांडव पुत्र जो है पांचों अचानक कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। और जब ये इस तरह का एक मंथन हो रहा था कि हम लोगों को अब 13वां साल, यानी कि हमें जो अज्ञातवास है वो कहाँ जाना चाहिए, तो उसमें जो है अर्जुन ने उनको एक युधिष्ठिर को सजेशन दिया, या एक सलाह दी कि हम लोगों को मध्य देश के में जा, राजा विराट के यहाँ जाकर जो है अपना अज्ञातवास व्यतीत करना चाहिए। तो ये आपका जो है दो चैप्टर का वीडियो है, जो दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इसलिए दोनों एक ही साथ मैंने बनाए हैं वीडियो। सो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने इस चैप्टर को, जिन लोगों ने गूगल मीट पे क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं बच्चे, वो लोग इस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।